दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है संतोष होम्यो केयर। दोस्तों आजकल फीवर यानी कि डेंगू और चिकनगुनिया अपने पूरे पीक पॉइंट पर है, यानी कि हर घर में हर परिवार में किसी न किसी इंसान को या कई बार तो हमने देखा है कि पूरी फैमिली को डेंगू या चिकनगुनिया फीवर है। दोस्तों फीवर तो ठीक हो जाता है हफ्ते भर में, जिसमें प्लेटलेट का अप होना डाउन होना फिर बॉडी में दर्द होना ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या है आजकल वो है फीवर के बाद जॉइंट्स पेन होना। वो चाहे हाथों के जॉइंट्स हों, चाहे पैरों के हों, चाहे गर्दन का हो, तो इसमें इतना ज़्यादा दर्द कि मैंने देखा है कि कई पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो बड़े हट्टे कट्टे तकड़े इंसान वो होते हैं, लेकिन उनको दो दो आदमी पकड़ के लाते हैं। वो चीखे मारते हैं जब रिक्शा से उतर के या गाड़ी से उतर के या मोटरसाइकिल से उतर के हमारे पास आते हैं। तो इतना ज़्यादा दर्द होना और इसके बाद उस दर्द का हफ्ता भर 10 दिन या 15 दिन तक बने रहना, ये कई बार कुछ पेशेंट के लिए झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के विषय में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके इस दर्द में आपको काफ़ी हेल्प करेगा और हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको इस दर्द से पूरी तरह छुटकारा दे देगा। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जॉइंट्स पेन आफ्टर डेंगू फीवर और चिकनगुनिया, जिसमें क्या होता है कि जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में अकड़न होती है, जोड़ों में जकड़न होती है, जोड़ों में सूजन होती है, कमर और कूल्हे के जोड़ में दर्द होता है, एडी के जोड़ में दर्द होता है और गर्दन अकड़ जाती है, गर्दन की हड्डी के जोड़ में भी दर्द होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको 7 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताऊँगा। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है आर्निका मोंटाना पोटेंसी 30, दूसरी जो मेडिसिन है वो कॉस्टिकम है पोटेंसी 30, तीसरी मेडिसिन है वो लिडमपोल है पोटेंसी 30, चौथी मेडिसिन है जो एसिड सल्फ है पोटेंसी 30, पांचवी जो मेडिसिन है वो अजेंटम मेटेलिकम पोटेंसी 30 और छठी जो मेडिसिन है वो ब्रायनी एल्बा पोटेंसी 30 और सातवीं जो मेडिसिन है दोस्तों वो है रस्टोक्स पोटेंसी 30। आप इन सातों दवाइयों को अलग अलग बोतल में लेके या एक जगह आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर जाइए और ये कॉम्बिनेशन उन्हें बताइए और उन्हें बोलिए कि एक बड़ी बोतल में इन सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मिला के हमें दे दें। और बड़े लोग 10-10 बूंदे दिन में 3 से 4 बार आधे कप गुनगुने से पानी में खाना खाने के बाद वो ले सकते हैं अगले हफ्ता 2 हफ्ता। और अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ तो वो 4 से 5 बूंदे दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं अगले 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। दोस्तों लेकिन इसके साथ आजकल एक समस्या और आ रही है कि कुछ पेशेंट को मांसपेशियों में दर्द रहता है और अकड़न हो जाती है मांसपेशियों में, खास करके काफ मसल में जो पिंडली वाली मसल है। तो अगर उसमें दर्द होता है या अकड़न होती है या जकड़न होती है या वो रात के सोते समय उनमें बेचैनी होती है, अकड़ जाती है, तो इसी कॉम्बिनेशन में इस 7 दवाइयों के कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपने 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन और उसमें मिलाना है। दोस्तों पहली दवाई है क्यूप्रमेट और दूसरी दवाई है फेरमेट, दोनों की 30-30 पोटेंसी आपने होम्योपैथिक मेडिसिन की लेनी है और ये आपने इसी के साथ इसका कॉम्बिनेशन मिला के और 12-12, 13-13 बूंदे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 से 4 बार ये आप इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे किस दवाई का असर आपको हफ्ते में पूरे तरीके से हो जाएगा और अगर ऐसा लगता है कि आपको फिर भी थोड़ी समस्या बची हुई है तो आप अगले कुछ समय तक इसका सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।